place. Thank you. You're welcome. यागो, इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो? हाँ, अकेला रहता हूँ, पर ये घर ही कुछ ऐसा है, यहाँ किसी को अकेला महसूस नहीं होता। खैर, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। यागो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है हमें यहाँ से चलना चाहिए। चले जाएंगे, बस कुछ देर की बात है, उसके बाद तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। सरप्राइज। यागो ने तुमसे कहा था ना, इस घर में कोई अकेला महसूस नहीं करता। कौन हो तुम? इस वक्त ये सवाल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब? बहाएंगे और रिसेस में अपना वरना क्या वरना वरना मैं टीचर को क्या दूंगा बेटा। वहां तुमने टीचर को बोला और हाथ तेरा डब्बा खुला। चमचम चमचम। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, इसके अंदर मलाई चमचम है। मलाई चमचम? वो तो मेरी फेवरेट मिठाई है। डब्बा दे मुझे। प्लीज मत कर, प्लीज मेरा डब्बा मत कर।
सर। बच्चों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कल हाफ डे है स्कूल का और उसके बाद हमारी क्लास आउटिंग के लिए जाएगी। लेकिन सर कहाँ? मशहूर जादूगर इयागो का मैजिक शो देखने। हेलो, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, आपका फोन नहीं मिल रहा है। इयागो दिस साइड, आपने कहा था आप 6:30 तक आ जाएंगे, 7:45 होंगे, कहाँ हैं? वेट कर रहा हूँ मैं आपका। सर ऐसा है, सोच रहा था मैं कल आ जाऊँ। कल आ जाऊँ मतलब? आपने कहा था ना आप आ जाएंगे, मैंने आपको कहा था अर्जेंट, आप प्लीज अभी आइए, आप कहीं भी हैं अभी आइए आप। अरे सर आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मैं कल श्योर आ जाऊंगा। तो आपको बताना चाहिए था ना मुझे, मैं किसी और को फोन कर लेता। आप प्लीज कुछ भी कीजिए, आप किसी को भेज दीजिए, इट्स अर्जेंट, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। अरे सर टीवी तो है, कल देख लेना, मैं कल आके ठीक कर दूंगा। हेलो हेलो, पता नहीं क्या हाल करेगी आज। सरप्राइज। आप? अरे भाई हम सरप्राइज देना चाहते थे, शौक नहीं। नहीं वो क्या हुआ, आप किसी और का वेट कर रहे थे? नहीं वो मैं आप आओ ना अंदर आओ। अरे हम लोग इधर किसी काम से आए थे तो सोचा कि तुम्हारा भी हालचाल पूछते चले। कैसा चल रहा है तुम्हारा जादू? हाँ ठीक चल रहा है। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वॉशरूम खाए? वॉशरूम आप ऊपर से लेफ्ट ले लीजिए। ओके, आप एक बार ऊर्जा को फोन करके बोल दीजिए ना कि हमें लेट होगा। हाँ हाँ मैं कर लेता हूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। So sorry, मैंने शायद गलत दरवाजा खोल दिया। घबराइए नहीं, आपने बिल्कुल सही दरवाजा खोला है। आ जा अवंत। मयंक, मिसिंग केसेस के बारे में एक लीड मिला है। क्या लीड है? इस बार विटनेस के साथ मिला है। विटनेस? कौन है? मयंक, कल रात को एक लड़की कॉप स्टेशन आई थी जिसके माँ बाप का कुछ पता नहीं चल रहा है, और जब उसके डैड ने उसको आखिरी बार कॉल किया था तो उस वक्त उस लड़की का फोन वॉइसमेल पर था, और वो वॉइसमेल मैंने तुम्हें सेंड किया है, जस्ट चेक इट। हाँ तो होल्ड करा। हेलो बेटा, हम लोग विक्टोरिया स्ट्रीट आए हुए हैं, आने में लेट हो जाएगा, आप खाना खा लेना और जल्दी सो जाना, सुबह कॉलेज जाना है। ये तो रूपल की आवाज थी। हां हां भाभी की आवाज। क्या हो रहा है? कहां है रूपल? आप परेशान मत होइए, मैं आपको उनके पास भेज देता हूं। जयवंत। हां ये तो बहुत भयानक है यार। ये विक्टिम की लास्ट लोकेशन क्या थी? विक्टोरिया स्ट्रीट पर। अच्छा मयंक, एक मिनट, मेरा एक फ्रेंड है जो कॉलेज में छोटे मोटे जादू करता था, आजकल बहुत बड़ा मैजिशियन बन गया है, उसका बंगलो विक्टोरिया स्ट्रीट पर। अरे यार देख तू कैसी बातें कर रहा है, तुझे केस सॉल्व करना है कि अपने दोस्त से मिलना है? उससे चलकर मिलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मेरी पूरी बात तो सुना कर। चल ठीक है मयंक, यही मौका है तेरे पास इस केस को सॉल्व करके अपना जज्बा दिखाने का, अपनी शक्ति दिखाने का। ठीक है ना, इससे पहले नहा लेता हूं। हाँ। ओ यागो,
थैंक यू सो मच। कल के लिए क्या हुआ यागो? कुछ नहीं। तो फिर इतने उदास क्यों? बोलो ना यागो। ऐसे कब तक चलता रहेगा? कब तक लोगों को परोसता रहूंगा? इस बार रिश्तेदार भी। लेकिन यागो वो तो तुम्हारे बहुत दूर के रिश्तेदार थे। रिश्तेदार तो थे ना मेरे वो। देखो मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, द ग्रेट मैजिशियन यागो। और मेरे फेमस होने से मेरे फंसने के चांसेस ज्यादा है। मैं फंस गया ना तो कौन करेगा तुम्हारी मदद, कौन करेगा तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी? रियली ये शक्तियां जिनकी वजह से आज तुम इतनी फेमस हो, ये शक्तियां तुम्हें मैंने दी है, वरना तुम थे ही क्या? सड़क पर हाथ की सफाई दिखाने वाले एक मामूली से तमाशबीन। देखो बारिश, बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं, ज्यादा देर नहीं चलने वाला है, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो पता चलेगा ना, तो क्या करेंगे तब? यागो, तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है, जिस तरह से तुमने मेरी मदद की है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ट्रस्ट मी। आज की ये जादुई शाम आप सबके लिए यादगार होने वाली है। सो टेल मी, आर यू गाइस रेडी? हेलो मैजिशियन अंकल, गुड इवनिंग किड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आज ये अवसर लेना चाहता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत है, उसमें कितना जादू है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेट मैजिशियन यागो। नो, वेट, मेरा नाम नहीं, आज की शाम का जादूगर मैं नहीं हूं, आप में से कोई एक है। पता करें? आप नहीं, सॉरी आप भी नहीं। चमचम कौन होगा? आप नहीं, नहीं आप नहीं, आज की शाम का जादूगर है आप। मोंटू, व्हाट्स योर नेम? मोंटू। मोंटू, आज की शाम का जादूगर मोंटू। Bye.
आंखें बंद करेंगे हम उनकी? अब आपकी बारी है, आपको इसमें से कोई एक कार्ड निकालना है। सबको दिखाइए, सब लोग देखिए कार्ड। ऑल राइट, अभी जादूगर मोंटू आपको एक कार्ड निकाल के दिखाएंगे। मोंटू प्लीज एक कार्ड निकालिए इसमें से। आज की शाम के जादूगर मोंटू ने वो पत्ता ढूंढ लिया है। जोकर लगता है घबरा गए हैं। दोबारा निकालिए एक कार्ड, और ये रहा वो। मोंटू का तो पोपट हो गया। मुझे लगता है मैंने सही मैजिशियन को चूज नहीं किया है। और मैं मोंटू, आई एम सॉरी, अब वो जादूगर नहीं है। अरे ये क्या है? पत्ता? ये कौन सा पत्ता है? Well done, Monty, अपनी सीट पे बैठिए। चाचू, जादू। All right, आप सबको कहानी सुनना पसंद है? Yes. तो आज आप सुनेंगे एक परी की कहानी। परी की कहानी? Yes. लेकिन उसे मैं नहीं, कोई और सुनाएगा। परीजा। तो बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनने का बहुत शौक है ना? तो ठीक है, आज मैं आपको एक परी जैसी दिखने वाली सुंदर लड़की की कहानी सुनाऊंगी। कितना ड्रामा करती है ना? ड्रामेबाज है ना? तो बच्चों, ये कहानी है सिलिवान वादियों की, 140 साल पुरानी।